दोस्तों, बहुत कम लोगों ने बड़े जंगली जानवरों की जंगल में लाइफ देखी है। सीधा कहें तो दुनिया के गिने चुने लोगों ने वाइल्ड लाइफ देखी है। आपको पता ही है कि ये इंसानों की दुनिया की बिल्कुल उलट है। जंगल में जो ज्यादा ताकतवर होता है उसी का दबदबा होता है और वो किसी को भी मार कर खा सकता है, पर ऐसा भी अधिकतर शिकारी जानवर ही करते हैं। कुछ ऐसा ही दबदबा हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इंसानों का जंगली जानवरों से दूर रहने में ही फायदा है। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं ज़ेब्रा स्टैलियन ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिज हैरम फॉयल की इस वीडियो से। दोस्तों, ज़ेब्रास के एक हैरम में 6 फीमेल ज़ेब्रास, कुछ बच्चे और एक मेल ज़ेब्रा होता है। मेल ज़ेब्रा ही हैरम का लीडर होता है। किसी हैरम का लीडर बनने के लिए दूसरे यंग ज़ेब्रास अक्सर लीडर को लड़ाई के लिए चैलेंज करते रहते हैं, और अगर लड़ाई में लीडर हार जाता है तो उसे अपना हैरम छोड़कर बैचलर्स ज़ेब्रास के झुंड को ज्वाइन करना होता है, जिसमें एक भी फीमेल्स नहीं होती। भविष्य में हैरम के लीडर ज़ेब्रा को ऐसे ही किसी यंग ज़ेब्रा के चैलेंज का सामना ना करना पड़े, इसलिए हैरम का लीडर मेल ज़ेब्रा अक्सर अपने झुंड में जन्मे सभी बच्चों को खत्म करने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ अभी मादा ज़ेब्रा बच्चे को जन्म ही दे रही होती है कि लीडर उसे मारने पहुँच जाता है। ऐसे में मादा को अपने नवजात शिशु की रक्षा के लिए लीडर से लड़ना पड़ता है। काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई के बाद आखिर मादा अपने बच्चे को बचाने में सफल हो ही जाती है। बैटल बिटवीन लायन एंड एंटेलोप। इस क्लिप में दो शेरनियां इस हिरणी के पीठ पर अपने नुकीले दांतों को धसाने की कोशिश करती हैं, पर असफल हो जाती हैं और हिरणी के नुकीले सींगों से डरकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस मुठभेड़ में हिरणी की एक टांग टूट जाती है और वो ढंग से चल नहीं पाती। इसके कुछ देर बाद शेरनी इस हिरणी पर दोबारा से अटैक करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन इस बार भी हिरणी को जिंदा देखकर शेरनी वहां से फिर से चली जाती है। काफी देर बाद जब हिरणी बिल्कुल चल नहीं पाती, तब शेरनी उस पर तीसरी बार अटैक करती है और इस बार वो अपने शिकार में सक्सेसफुल हो जाती है। लायन किलिंग के बफेलो। यहाँ दो शेर दो अलग अलग अफ्रीकन भैंसों को मारने में लगे हुए हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भैंसों के झुंड पर अटैक करके इन भैंसों को हासिल किया है। भैंस अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन शेर भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। भैंस अगर लात से मार दे तो शेर की हड्डी टूट सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। काफी देर तक ऐसे ही शेर अपने दांतों से भैंस की गर्दन को पकड़े रहता है, लेकिन भैंस जमीन पर नहीं गिरती। इसके बाद अंत में क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अंत में कैमरा बंद हो जाता है। मेल लायन एंड बेबी बफेलो। हमारी अगली क्लिप भी शेर और भैंस की है, लेकिन इसमें आपको अंत में रिजल्ट जरूर पता चलेगा। यहाँ एक भैंस का बच्चा खुले मैदान में लेटा हुआ रहता है कि तभी उसे दूर से आता हुआ शेर दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वो अलर्ट हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। शेर उसकी तरफ लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन बेचारा ये बछड़ा उसे देखकर भागता नहीं है। शायद तेज हवा के कारण बछड़ा वहां से भागने में असहज महसूस कर रहा होता है। वो पेड़ की आड़ में आकर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ शेर अटैक करने की तैयारी में होता है। शेर धीरे धीरे बछड़े के पास आता है और फिर अचानक से दौड़कर अटैक कर देता है, जिसके बाद बछड़ा कुछ मिनटों के अंदर ही अपनी जान गंवा देता है और शेर का खाना बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखकर कुछ अलग सा महसूस तो जरूर हुआ होगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।